हमारी इंडियन बैकड्रैगन थर्ड की सिटी में हल्क और आयरन मैन की फाइट हो जाती है हल्क बस्टर से, जिसमें कि हल्क को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आके हल्क बस्टर के सर को धड़ से अलग कर देता है। और फिर हल्क बस्टर बदला लेने के लिए अपने सर पे एक सायरनहेड का सर लगा लेता है और फिर ये हल्क को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लग जाता है और आखिर में ये भी हल्क के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। तो ऐसा क्या होता है जो हल्क के सर पर भी एक सायरनहेड का सर लग जाता है और क्या ये हल्क बस्टर को मार पाएगा या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। फटाफट घर चलो यार, आज तो थक गया हूँ बहुत ज्यादा। मगर क्यों? क्योंकि भाई लड़ाई हो गई थी आज, मेरी पिट के आया हूँ बहुत बुरे तरीके से। अरे मेरा मतलब पीट के आया हूँ भाई, पीट के। गलती से सच बोल दिया यार आज तो मैंने। बाकी हाँ, फटाफट से घर चलते हैं। एक सेकंड भाई, ये आवाज कैसी आ रही है भाई? ये क्या, ये तो हल्क बस्टर है। अबे ये आयरन मैन और हल्क भाई, इनकी तो लड़ाई हो रखी है तगड़ी वाली। अबे ये क्या, इस हल्क ने तो हल्क बस्टर का सिरी दड़ से अलग कर दिया। भाई मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, कहीं पता चला लड़ाई में इन सालों ने मेरा भी कचुम्बर निकाल दिया। बात तो सही है। बाकी भाई ये लफड़ा क्या है ये सुबह न्यूज में ही देखेंगे, अब तो मैं घर जाके भाई सो रहा हूँ सीधा। चलो तो भाई फाइनली मैं अपने घर तो पहुंच गया हूँ, बाकी भाई अब मैं जाके सीधा सो रहा हूँ। सुबह उठ के देखेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है हमारी सिटी में ये सब। बाय द वे गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली सुबह हो चुकी है और भाई कल रात जो मैंने देखा था ना, मैं वो बिल्कुल नहीं भुला पा रहा हूँ, इसलिए एक बार न्यूज खोल के देखते हैं कि वो लोग आखिरकार आपस में लड़ क्यों रहे थे और वो लफड़ा क्या था। बट उससे पहले तुम लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि भाई एक वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बाकी चलो अब टीवी ऑन करते हैं। भाई ये क्या दिखा रहे हैं न्यूज में, कल रात हमारी सिटी में हल्क बस्टर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था और जब वो आयरन मैन और हल्क के मनाने पर भी नहीं माना, तब उन दोनों ने मिलके हल्क बस्टर को पीटना शुरू कर दिया। और तो और हल्क ने गुस्से में आकर इस हल्क बस्टर के सर को धड़ से ही अलग कर दिया और फिर हल्क बस्टर बदला लेने के लिए अपने सर के जगह एक सायरन हेड का सर लगा लेता है और फिर वो हल्क को बहुत बुरे तरीके से पीटने लग जाता है एंड आखिर में वो हल्क का भी सिर उसके धड़ से अलग कर देता है और वो फिर से सिटी में तबाही मचाने लग जाता है। भाई ये क्या, इस सायरन हेड हल्क बस्टर ने तो हल्क का सिरी काट दिया। भाई इसको तो कैसे न कैसे करके रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सारी सिटी को ही खत्म कर देगा। बट भाई हम करें तो करें क्या? अबे हाँ, मैं एक काम करता हूँ, आयरन मैन सर के पास कॉल करके पूछता हूँ, उनको जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। हाँ फ्रैंकलिन, बोलो क्या हुआ? अरे सर, वो सायरन हेड वाला हल्क बस्टर पूरी सिटी में तबाही मचाने लग रहा है। हाँ मुझे पता है फ्रैंकलिन। हाँ तो फिर आप कुछ करो ना, रोको उसको। अरे फ्रैंकलिन, वो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और तो और उसने हल्क का भी सर काट दिया है, इसलिए मैं अकेला उसका कुछ नहीं कर सकता। बट उसको मारने का कुछ तो उपाय होगा। एक उपाय है, जैसे हल्क बस्टर अपने सिर पे एक सायरन हेड का सर लगा के बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, ऐसे ही अगर हम हल्क के सर पे एक सायरन हेड का सर लगा दे तो वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर शायद वो सायरन हेड हल्क बस्टर को मार सकता है। बट दिक्कत ये है कि सायरन हेड का सर लेने के लिए मुझे एक सीक्रेट स्वॉर्ड चाहिएगी और मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं कोई सीक्रेट स्वॉर्ड ढूंढ के सायरन हेड का सर काट के यहाँ ला सकूं। आपकी हालत क्यों नहीं है, मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो क्या है ना, कल रात उस साले सायरन हेड हल्क बस्टर ने मुझे भी बहुत ज्यादा मारा है। कोई नहीं सर, आप एक काम करो, आप मुझे उस सीक्रेट स्वॉर्ड की फोटो भेज दो, मैं उस स्वॉर्ड को ढूंढ के सायरन हेड का सर आपको लाके दूंगा। तुम ले आओगे? अरे हाँ सर, बिल्कुल लेके आऊंगा। पिद्दू समझ रहे हो क्या आप मुझे? सही पकड़े हैं। हैं क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि मैं फोटो भेज रहा हूँ तुम्हारे पास स्वॉर्ड की। अबे फोन काट दिया भाई, ये आयरन मैन भी मेरे मजे ले रहा है क्या? लगता है आयरन मैन सर ने फोटो भेज दी। अबे ये फोटो तो पेट्रोल पंप के पीछे की है शायद, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में पेट्रोल पंप दिख रहा है, इसलिए फटाफट पेट्रोल पंप चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप के आसपास ही मुझे ये स्वॉर्ड मिलने वाली है। बाकी पेट्रोल पंप के पीछे मेरा भी ओल्ड वाला हाउस है। अच्छा ऑलराइट गाइस, तो मैं पेट्रोल पंप वाली साइड पे तो आ गया हूं एंड भाई सामने ये घर क्या मस्त लग रहा है यार। बाकी भाई मुझे लगता है इसी के अंदर मुझे वो स्वॉर्ड मिलने वाले, क्योंकि यही एक ऐसा घर है जो पेट्रोल पंप के पीछे है। ठीक है समरिया। बाकी भाई ये घर पक्का किसी अमीर और बड़े आदमी का है, ये देखो यहाँ पे एक डिफेंडर भी खड़ी है यार।
बाकी भाई इन सब चीजों को छोड़ के फटाफट अंदर चल के वो स्वॉर्ड ढूंढते हैं। वैसे गाइस ये घर जितना बाहर से सुंदर है ना उतना ही बिल्कुल अंदर से भी सुंदर है। बाकी भाई फाइनली मुझे यहाँ पे ये स्वॉर्ड मिल चुकी है एंड अब इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। बट भाई ये निकल क्यों नहीं रही? निकल जा, निकल गई भाई। तो फाइनल गाइस मैंने ये सीक्रेट वाली सोर्ड तो कलेक्ट कर ली है, बाकी अब बारी है जोरासिक पार्क में जाके एक साइरन हेड के हेड को काट के लाने की। इसलिए सीधा जोरासिक पार्क चलते हैं क्योंकि वही मुझे साइरन हेड मिलने वाली है। बाकी हाँ अब तक 90% लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा, बाकी जो लोग अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में हाल कॉपी जरूर लिख देना। ऑलराइट गाइस तो मैं जोरासिक पार्क में आ गया हूँ, बाकी अब यहाँ पे कोई साइरन हेड ढूंढते हैं और जैसे ही कोई साइरन हेड मुझे दिखेगा उसका एंड यस जैसे ही मेरे पास किसी साइरन हेड का इंतजाम होगा आयरन मैन आके उस साइरन हेड को ले जाएगा और हल्के के सर पे लगा देगा। ठीक है समरिया,